बिहार के सिवान में एक पथ का निर्माण हो जाने से जिले के 3 धार्मिक स्थल एक साथ जुड़ जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं उन्हें इन स्थलों पर जाने में काफ़ी सहूलियत होने लगेगी। यही नहीं, रघुनाथपुर विधानसभा के लगभग 25 ऐसे गांव हैं जो इस सड़क से जुड़ जाएंगे और लाखों की संख्या जो प्रभावित होती थी, आबादी जो प्रभावित होती थी, वह पूर्णतः इस सड़क से जुड़ जाएंगे और आवागमन करने लगेंगे। लगभग 105 करोड़ के लागत से इस सड़क का जो है निर्माण होने वाला है। बताया जा रहा है कि यह सड़क जो बनेगा लगभग 2200 किलोमीटर की होगी और जिले के महत्वपूर्ण 3 स्थल जिसमें सुहागरा धाम गुठनी, हरिराम ब्रह्म स्थान मैरवा और सुप्रसिद्ध महेंद्रनाथ मंदिर एक साथ जुड़ जाएगा, जिससे जो भी पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं इन स्थानों पर जाने में उन्हें काफ़ी सहूलियत होने लगेगी। पहले जहां 5 से 6 घंटे श्रद्धालुओं को जाने में लगता था, वही घंटे भर में यह 3 स्थानों का भ्रमण कर दर्शन कर सकेंगे। अंकित कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। लाभ पूरा जनता के बा, यूपी के भी लोग के लाभ बा, बाबा महेंद्रनाथ के यहाँ यूपी के लोग भी ज्यादा वाला पूजा पाठ कर खाती, आने के भी लोग यूपी जाला, रिश्तेदारी बा बाबा हरिराम से दर्शन कर खाती, सुहागरा शंकर भगवान पुराना मंदिर है वहाँ भी दर्शन कर खाती लोग जाला, इन्हें के लोग के उन्हें जाए खाती सुविधा बा, हित ही परित रुआ देवरिया गोरखपुर रास्ता बहुत मान ऐसा बीचे बीचे निकला है। आ एगो तो बात समझ ली, एगो तो आज तक ले चौरी इलाका हमनी के समझसी, ये नाहर के दहिने बाएं दोनों तरफ करीब करीब ये बीच से निकलल बा, तो दोनों ओर के लोग के जितना चौरी के लोग तो चौरी इलाका बोले ला सबसे दिक्कत तो वो लोग के रास्ता के रहा ला पश्चिम जाए खातिर चाहे उन्हें जाए खातिर, वो लोग के सबसे बीच वाला के चौरी इलाका के लोग के सुविधा बा, आएगा तो यूपी के भी लोग के सुविधा बा, बिहार के भी लोग के सुविधा बा। 105 करोड़ के तो अभी इस्टमेट बनल बा, बढ़ सकता मैंने किस काम लगेला तो किस बढ़ भी जाला।